नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज प्रजापत और रेस्क्यू के लिए आया हूँ गांव बीजलबाड़ा में। भाई साहब, आपका फुल नाम? मेरा नाम भगवान साय। भगवान साय जी जाटव जी हैं। इनके घर पे दोस्तों एक सांप है और वो सांप गेहूं की एक टंकी है, टंकी के नीचे कोई पत्थर वगैरह रखा है, उसके नीचे है। आ जाओ मैं दिखाता हूँ। पत्थर बेटा अंदर, ये टंकी है दोस्तों नाज की और फुल है ना भाई साहब। इसके नीचे ये पत्थर है, इस पत्थर के नीचे वो सांप है। तो शायद ज्यादा मोटा तो नहीं हो सकता क्योंकि ज्यादा स्पेस इसके अंदर है नहीं। भाई यहाँ में घांगनी में मोटा के नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, घांगनी खाली पूरी। तो या तो ऐसे ही हो जाए वो या चप्पल आ दब दबती रह जाएगी। नहीं टंकी के नीचे शायद ऐसे देखो पहले टंकी के नीचे दोस्तों, यार टंकी सरकानी पड़ेगी तब थोड़ी सी। यहाँ पे शायद कोबरा है ना, कोबरा है इधर ले लो भाई साहब, इधर की साइड से हाथ आया उधर से, उधर हाथ नहीं जाएगा, इधर की साइड से आ जा। बस थोड़ा रखो इधर से, मेरी टेंशन मत करो यार, हो जाए यार। ए भाई कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई साहब। कहना तुम से ज्यादा डर लगे ऐसी थोड़ी थोड़ा सा स्पेस मिला इसको और ये अंदर इसमें फंस गया। नीचे तो काफी जगह है पर ऐसा करो ड्राम होने सरकार थोड़ा सो जाता। ये ड्राम को तुम छेड़ोगे तो वो उसको नुकसान नहीं पहुँच जाए यार। भाई भाई तुम भाग बेटर हमको आओ, हम पहले आपको पहुंच पहुंच के कट जाए वाल भाई, क्यों पहले जो है हम वो बंदा इधर बैठा है उधर साइड का, वो यहां पे बैठा है लास्ट में। इधर की साइड से उठाओ ना, इधर से उठवा, इधर इधर से जाए भाई, इधर की साइड से हां ए जल्दी दे यहां पे, ये तो जगह है थे। छोटा सा बच्चा तभी तो अंदर चला गया, ये देखो। पर दोस्तों ये बच्चा भी अगर किसी को सोते हुए को काट लेता ना तो ये भी इंसान को खत्म कर देता। ये पैसा, ये छोटा सा नाग का बच्चा है दोस्तों, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा के नाम से जानते हैं। नल्ला भाई ला भाई। और ये देखो इसके पीछे की साइड जो ये चिन्ह है ना, इसको कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, बट ये जो चिन्ह है चश्मे का चिन्ह है और चश्मे को इंग्लिश में स्पेक्टिकल बोलते हैं। हाँ इसलिए दोस्तों इसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। लेकिन दोस्तों ये छोटा सा बच्चा इतना खतरनाक और जहरीला है कि एक इंसान को खत्म कर देगा ये अगर काट लिया तो। चलो इसको भारी आ रहे हैं भाई 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 भाई, और मेरा दिन रात को यही काम हो रहा है, 24 घंटे यही मेरा भीतर। तू हजल आना सामने से, देख
ये देख सकते हैं दोस्तों, इसके सामने कुछ चीज हिलाते हैं ना तो उसको ये फोकस करता है, क्योंकि इसको अपनी तरह साफ और स्पष्ट दिखाई नहीं देता, हिलती डुलती चीज पे ज्यादा फोकस करता है। जैसे इसके सामने कोई पैर वगैरह पड़ता है ना, तुरंत काट जाएगा वो। भाई साहब, एक जना तेरे को फोन कर रहा है, मैं फिर तू जिन्ना महुआ बोलू पर जाओ काम। अरे अब देखो, अभी हम महुआ से आ रहे हैं ना अभी। अच्छा, मैं सोच रहा हूँ, चलो ठीक है चले जाओ, टाइम है तो। साफ अच्छी नहीं, पन्नी रखी हम सरसों की पन्नी। चलिए दोस्तों, इसको पैक करके बाहर छोड़ देंगे। ये नाइट में निकल करके बिस्तरों पर चढ़ जाता और बिस्तरों पर काट लेता तो पक्का मौत हो जाती दोस्तों। तो दोस्तों, इस छोटे से सांप को रिलीज करते हैं। आप देख सकते हो, ज़्यादातर जो हादसे होते हैं दोस्तों छोटे सांपों से होते हैं, क्योंकि बड़ा सांप लोगों को नज़र आ जाता है, और एक बहुत बड़ा सांप इंसानी बस्ती में घुसने से पहले बहुत ज़्यादा डरता है। और ये छोटे सांप दोस्तों किसी भी चीज़ की आड़ लेके चिपक जाते हैं और रात में इधर उधर सोते हुए लोगों को काट लेते हैं। और गाँव में ज़्यादातर लोग जो काटे जाते हैं या तो कोई घरेलू काम कर रहे होते हैं। ओ गिर गया वो, ये देखिए दोस्तों, छोटा सा बच्चा है लेकिन ये अगर इंसान को काटे दोस्तों तो इससे जान जा सकती है। तो चलो दोस्तों, इसको मैं रिलीज करता हूँ। चलो